नमस्कार, मैं अनिल और आप देख रहे हैं एफएस न्यूज। इस वक्त हम मौजूद हैं दरोगा राय कॉलेज में, जहां पे जीवन यादव के द्वारा दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। यहां पे सामने तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे कि कुछ ही देरी में यहां पे दौड़ का रेस होगा। इसमें जिले के हर एक कोने से युवा आए हुए हैं और यहाँ पर भाग ले रहे हैं। तस्वीरें साफ तौर पर आप देख रहे हैं कि काफ़ी भीड़ लगी हुई है यहाँ पर ग्राउंड में, और यहाँ पर 1600 मीटर का दौड़ होगा। उसके बाद लड़कियों का जो दौड़ है वो 1000 मीटर का है, और यहाँ पे जो उनके समर्थक है जीवन यादव का, इनसे बात करेंगे। इधर आइए। तो लगभग कितने लड़के इसमें भाग लिए हैं? कम से कम तो 1500 का रजिस्ट्रेशन हुआ है अभी तक। यूपी बिहार का टोटल लड़का है लो। यूपी बिहार का टोटल, हाँ। तो लड़की भी आई है लो, भी हर एक जिले से, हाँ। तो पटना तक के भी लड़का आया है लो। इसमें कौन कौन से प्राइज भी रखे गए हैं? इसमें साइकिल है और भी ट्रॉफी है, और भी ट्रॉफी, हाँ, है बहुत सारा। तो जीवन यादव जी अभी नहीं आए हैं? अभी आएंगे, करेंगे, जस्ट आएंगे, हाँ। तो आप तस्वीरें के माध्यम से साफ बने रहिए, हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे कैसे काफी भीड़ लगा हुआ है और दौड़ चालू होगा। और तब तक के लिए हम आगे की तस्वीरें, 1600 मीटर का दौड़ आपको दिखा रहे हैं, जो पांचवा राउंड है। यहाँ पे जो भी धावक है वो देखिए कौन फर्स्ट मार रहा है, आपको सीधी तस्वीरें हम सामने दिखाएंगे। ये देखिए पांचवा चरण में फर्स्ट जो, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे हम। मोदीपुर से, गुड़िया कोठी से मुझान सिंह। यहाँ पे जोश आप लोग के प्रति दिखाई दे रहा है, अच्छा लग रहा है, और हम लोग जीतने चाहते हैं, एक नंबर जाना चाहते हैं। पहले प्रैक्टिस किया है ना? जी, मनु एकेडमी फिजिकल ट्रेनिंग भिट्टी से। जी, अनी वर्मा जी, आप कहाँ से हैं? हम सर प्रतापपुर गांव से हैं, प्रतापपुर सिवान जिला। जी सर, जीत हासिल कर रहा है? यस सर। कितना, 1500 मीटर है? 1600 मीटर है सर। जी सर, टाइमिंग कुछ फिक्स है क्या? नो टाइमिंग नहीं है, टॉप 10 है। टॉप 10 है जी। देखिए तो यहाँ पे काफी युवा दिखाई दे रहे हैं, जिनमें काफी जोश भरा हुआ है, क्या कुछ कहना चाहिएगा? बोल रहे हैं कि हम ही लोग ले जाएंगे, टेंशन मत लीजिए, टॉप 10 के अंदर आएंगे लोग। जी सर जी, टॉप 10 के अंदर आएंगे। इतना सारे युवा हैं तो कैसे आइएगा टॉप 10? एकदम आएंगे, इसीलिए तो आगे खड़ा हुए हैं। अंदर से पूरा कोशिश आएगा कि टॉप 10 में आए। तो आप तस्वीरें साफ देख रहे हैं कि जो फर्स्ट राउंड का जो दौड़ हुआ उसमें विजेता हुए हैं 1600 मीटर में। अब बात करेंगे, आप विजेता फर्स्ट मारे हुए हैं, कहाँ से आए हुए? यूपी से, गाजीपुर जिला से सिवान। आपको कैसे जानकारी हुई कि यहाँ पे दौड़ हो रहा है? एक दोस्त था, वही पोस्टर भेजा कि यहाँ पे गेम हो रहा है। हम कल घर से 3 बजे गाड़ी पकड़े, यहाँ से 11 बजे रात को आ गए। तो कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। जिले का अपना नाम रोशन कीजिए। बिल्कुल, प्रयास है, फाइनल में भी करेंगे। अच्छा, हाँ। तो आपका सपना क्या है? सपना क्या है आपका? मेरा सपना फौज में नौकरी करना है। फौज में आपका, जैसे आज आपने फर्स्ट मारा है, हाँ। तो ऐसे आपको उम्मीद और विश्वास और भी जाग गया होगा। बिल्कुल, आत्मविश्वास बढ़ता है। अपने जैसे युवाओं को क्या कहना चाहेंगे? कहना यही चाहते हैं कि लगन से मेहनत करें, सब आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल, मेहनत किसी का गुलामी नहीं होता, जो मेहनत करेगा वो आगे बढ़ेगा। अपना नाम बताओ। दीपक यादव। देखिए यहाँ पे जो सेकंड मारे हुए हैं, इनसे हम बात करेंगे, कहाँ से आए हुए हैं? मसरक, छपरा। छपरा से आए हुए जी। तो आपको कैसे जानकारी हुई कि सिवान में दरोगा राय कॉलेज में? जो सुनील सर है ना, सुनील सर पहले वहाँ पे जेथर सैनिक कोचिंग है, वहीं पर थे, वहीं पर दौड़ते थे पहले, तो वही बताए थे मेरे सर से वहाँ पर दौड़ हो रहा है, जाओ। कैसा महसूस हो रहा है? बहुत सर गर्व। गर्व हो रहा है जी। आर्मी में जाना है? जी सर। कितनी बार निकाले दौड़ अभी? निकाल लिए 3 बार। एक बार नारा लगा दीजिए, भारत माता की, भारत माता के, भारत माता के बंदे। देख रहे हैं यहाँ पे युवाओं में काफी जोश है, और भारत माता के प्रति, भारत माता की जय के नारे लगाए जा रहे हैं। जिन जैसे जवानों को जो देश की सेवा करना चाहते हैं, वो अपना सपना पूर्ण करने के लिए इस दरोगा राय कॉलेज में आज सेकंड विनर हुए हैं और अपने जिले का नाम रोशन किए हैं। देख रहे हैं यहाँ 1 से लेकर टॉप 10 तक यहाँ खड़े हुए जो भी विजेता हैं, सब खड़े हुए हैं। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, दरोगा राय कॉलेज सिवान।